हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y21T एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है लॉक स्क्रीन शॉर्टकट सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये लॉक स्क्रीन शॉर्टकट सेटिंग जो है काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन सेटिंग का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन शॉर्टकट। लॉक स्क्रीन शॉर्टकट में आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, लेफ्ट शॉर्टकट और राइट शॉर्टकट। यहां पर आपको जो है ना, मैं आपको पहले तो ये बता देता हूं लॉक स्क्रीन शॉर्टकट होते क्या है, फिर मैं इनका यूज आपको आगे बताऊंगा। देखिए, हम अपने मोबाइल फोन की जब भी लॉक स्क्रीन पर होते हैं ना, तो आपको मोबाइल फोन के सबसे नीचे आपको ये लेफ्ट में और राइट में दो आइकन आपको दिखाई देते हैं, ये हमारे लॉक स्क्रीन शॉर्टकट होते हैं, ठीक है। इन्हें आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, लेफ्ट शॉर्टकट पे सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे मेरा पहले से फोन पे टिक मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप इसे चेंज कर सकते हैं किसी भी दूसरे ऑप्शन पे। मैं इसे कैमरे पे सेलेक्ट कर लेता हूं, तो मेरा जो पहले जो यहां पे लेफ्ट में जो लॉक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था ना आपको फोन का आइकन, अब वो वहां पे कैमरे का दिखाई देगा क्योंकि मैंने कैमरा सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर आपको राइट पे सेलेक्ट करना है और यहां पर भी आप जो है किसी भी दूसरे ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसे फोन पे रहने देता हूं। अब देखिए, सेटिंग चेंज होने के बाद देखिए सेटिंग कैसे काम करेगी, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी आप अपने मोबाइल फोन की लॉक स्क्रीन पर जाएंगे ना, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे पहले मेरा फोन का आइकन था, अब यहां पे कैमरे का है, और यहां पर पहले कैमरे का था, अब यहां पे फोन का है, ठीक है। अब इन्हें यूज कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको जो है ना ये कोई भी एक आइकन को, किसी भी एक आइकन को आपको उंगली से दबा के रखना है और इसे ऊपर की तरफ स्लाइड करना है, तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। आप देख सकते हैं, आप उसी टाइम जो है ना फोटो या वीडियो आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप जो दूसरे ऑप्शन को भी इसी तरीके से ऊपर करेंगे ना, तो आपका अगर इस लॉक स्क्रीन आता है तो इसे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, मेरा डायल पैड डायरेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपकी लॉक स्क्रीन शॉर्टकट सेटिंग, ठीक है।